बिना सिलाई मशीन के, बिना सुई धागे के फटे हुए कपड़ों को नए जैसा कैसे करें? इसको तो एक मंत्र बोलते हैं और फटाफट से आपका कपड़ा सिल देते हैं। चलिए करते कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें प्रेस। प्रेस से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो प्रेस को ऑन करके एक तरफ रखते हैं और वो फटे हुए कपड़े को लाते हैं एक बढ़िया सा मंत्र फूंकने के लिए। जहां वो कपड़ा फटा है उसको आप पहले बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। आसपास कुछ धागे दिख रहे हैं तो उन्हें कट कीजिए। ऐसा हमारे साथ कई बार हो जाता है, नए नए कपड़े खराब हो जाते हैं। सबसे पहले कपड़े को प्रेस करना है। कपड़े में सल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो कट का साइज है उस हिसाब से हमें लेना है एक बकरम। ये बहुत इजी तरीके से किसी भी टेलर की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये जो बकरम होता है इसमें एक जादू होता है। पता है क्या, ये इस साइड से रफ होता है लेकिन यहाँ पे शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है। तो ग्लॉसी होता है तो यही हमारे कपड़े को जोड़ने में मदद करता है। जितना आपका पीस कटा है उस हिसाब से इसे ले लीजिए। ये ग्लॉसी वाला जो एरिया है इसे हमें कपड़े के नीचे लगाना है। इस बात का खास ध्यान रखें, ये मैंने रख दिया है और कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ये बकरम। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने नीचे से रख दिया है बकरम और बकरम रखने के बाद इस कपड़े को मैंने वहीं पे सेट कर दिया है। कोई भी धागा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हमने हटा देना है और आयन को इसके ऊपर धीरे धीरे हमें इस तरीके से चलाना है। बस यही मंत्र है। अब जो कुर्ता है ना उसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, इसलिए उसे भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ सेकंड या एक मिनट के अंदर ये कपड़ा जुड़ जाएगा। ये देखिए मेरा जादू, ये कपड़ा सिल चुका है। अब ये प्रिंटेड है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। ये देखिए, अब ये जो नीचे है ना ये इतना अच्छे से चिपक जाता है, ये कभी नहीं निकलता। अब चाहे इसे आप वॉश करेंगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको कुछ चाहिए सेकंड या एक मिनट, डिपेंड करता है कितना कटा हुआ है। अब ये तो हमने जोड़ लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं उस कुर्ते को देख। पहले इसे भी प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद हमें इसके थ्रेड्स जो एक्स्ट्रा कट जाते हैं वो काटने होंगे। अब कुर्ता है तो कुर्ते को हमें थोड़ा अलग तरीके से जोड़ना है। ये देखिए, ऐसे सिंगल कर दीजिए। वही हमें बकरम लेना होगा। इतने से बकरम में आपका काम हो जाएगा। ग्लॉसी वाला साइड हमें कपड़े के नीचे रखना है। जिस तरीके का कपड़ा होता है उसी तरीके से ही आपको शेप बना के उसको रखना होगा। करीब करीब 30-40 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट, लेकिन एक मिनट लगातार नहीं रखना है, कपड़े को जलाना नहीं है। ये देखिए, है ना जादू मंत्र, हो गया ना काम मिनटों में। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक मिनट लगना है, ये बकरम ले आइए, जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व कीजिए। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसे ज़रूर ठीक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई कि नहीं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।